दुनिया भर में हमारा देश भारत अपने विभिन्न संस्कृति, परंपराओं, खाने पीने और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से मशहूर है, और ये सारी चीज़ें हमें बाकी देशों से बहुत ही अलग बनाती है। इंडिया में इतनी सारी वैरायटीज़ के बीच एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो इन सारे रीति रिवाज, सरकार और राजनीति जैसी चीज़ों से बहुत दूर है। मैं बात कर रही हूँ चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में बने ओरोविले सिटी की। वेल गाइज, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड में। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का ये बहुत ही खूबसूरत शहर ओरोविले के नाम से जाना जाता है, इसे सिटी ऑफ डॉन भी कहते हैं। ओरोविले का इनॉग्रेशन 28 फरवरी 1968 में हुआ था। द मदर मीरा अल्फासा इस शहर की फाउंडर है और इस शहर का खूबसूरत और सिस्टमैटिक डिज़ाइन आर्किटेक्चर रॉगर एंगर ने किया है। पूरी दुनिया में ये एक लौता ऐसा शहर है जहां लोग धर्म रीति रिवाजों से एकदम दूर हैं और मानवता के साथ शांतिपूर्वक ज़िंदगी जी रहे हैं। यहां पर किसी भी तरह की पूजा करना या कोई भी धर्म को बढ़ावा देना सख्त मना है। इस शहर में कई अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। आज यहाँ करीबन 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं। इस पूरे शहर को 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ओरोविले में किसी भी तरह की करेंसी यानी नोट या सिक्के का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करना ही अलाउड है। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान की सैलरी 12,000 है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक एवरेज रकम है एक इंसान को नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। और हाँ, यहाँ पर उतनी ही चीज़ों का उत्पादन होता है जो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है। पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा जाता है। एक बात जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी वो ये है कि ओरोविले शहर का क्राइम रेट एकदम ज़ीरो है। यहाँ पर भी किताबी शिक्षा दी जाती है पर प्रैक्टिकल चीज़ों को सिखाने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर आपको हाथों की कलाकारी से बनी बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ें देखने मिलेंगी। लोग इन्हें खरीदते भी हैं और ये बहुत ही बेहतर चीज़ है स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। सबसे अहम चीज़, इस शहर के बीचों बीच एक मैत्र मंदिर है जिसे सोल ऑफ द सिटी कहा जाता है। इस मैत्र मंदिर में ना ही पूजा प्रार्थना की जाती है और ना ही किसी भी तरह की यहाँ मूर्ति मौजूद है। यहाँ लोग सिर्फ मेडिटेशन करने आते हैं और इसी कारण यहाँ के रहवासियों का दिल और दिमाग एकदम शांत रहता है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप यहाँ कुछ दिन के रहने का ट्रायल कर सकते हैं, फिर सिटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि आप यहाँ रहने के लायक है या नहीं। इस शहर में सिर्फ एक धर्म है और वो है इंसानियत का। यहाँ के रहने वाले एक दूसरे की भाषा जल्दी समझ नहीं पाते हैं, पर फिर भी बिना किसी दंगे फसाद के यहाँ सुकून से रहते हैं। देखा जाए तो ओरोविले को बनाने का मकसद ही यही था कि एक ऐसा सार्वभौमिक शहर बने जहाँ सभी देशों के पुरुष और महिलाएं सभी पथों, सभी राजनीति और सभी राष्ट्रीयताओं से ऊपर उठकर शांति और प्रगतिशीलता सद्भाव में रहने में सक्षम हो। सो गाइज, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और बिल्कुल भी मत भूलिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करने के लिए।